संजौली और ढनली को जोड़ने वाली टनल का आज मुख्यमंत्री सुक्खू ने उद्घाटन कर दिया है। ये नई टनल करीब 44 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुई है। टनल के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टी आलाकमान ने एक बैठक बुलाई है जो 27 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे होने वाली है। इस बैठक में सभी मंत्री और सीपीएस भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां शिमला के संजौली में ढली टनल का उद्घाटन मुख्यमंत्री सुक्खू ने कर दिया है। विधिवत पूजा अर्चना के साथ इसका उद्घाटन कर दिया गया है, आम जनता के लिए इसे खोल दिया गया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कई तमाम बातें कही। उन्होंने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये कहा कि आलाकमान एक बैठक बुलाई है 27 दिसंबर दोपहर 12 बजे ये बैठक होने वाली है। इस बैठक में मंत्री और सीपीएस सभी मौजूद रहेंगे। इस टनल का काम काफी धीमी गति से चला हुआ था। हमारी सरकार आई, माननीय हमारे पंचायती राज मंत्री और रूरल डेवलपमेंट अनुर सिंह जी ने एक बैठक की और उस बैठक के बाद हमने इस टनल का काम जो है उसको स्पीड अप करवाया और आज इस टनल को हमने शिमला के जो ऊपरी क्षेत्र है उनके लिए खोल दिया है। और इसके साथ ही हमने टूरिज्म से भी ये जो जितने भी आए टनल के इंटीरियर की जो ड्राइंग की गई है वो हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट से भी शुरू करवाई। मैं इसके लिए जो विभाग के अधिकारी हैं, माननीय मंत्री जी, इन सबका धन्यवाद करता हूं कि एक रिकॉर्ड समय में जो बड़ी धीमी गति से पिछली सरकार के समय शुरू हुआ था उसको हमने एक साल के भीतर पूरा करवाया। यही स्पीड हमारी और कार्यों की भी है। आप देख रहे होंगे कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको स्पीड अप कर रहे हैं और हमने नियमों में परिवर्तन करके इस कार्य को तेज करवाया। देखिए, निश्चित तौर पर दूर होगा, पहले एक टनल थी, टूरिस्ट इनफ्लो बहुत होता था, एक सुरंग से निकलते थे, अब दो टनल है, दोनों टनल से जब निकलेंगे और तीन ले होगी है, तीन ले का मतलब दो तो यहाँ से डायरेक्ट गाड़ियां निकल सकती है, वहां से भी निकल सकती है, तो उस टनल का तीनों के शिमला शहर ऊपरली क्षेत्र के लिए बहुत सुविधा इस टनल के माध्यम से। बिलासपुर से